हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में अपने फ़ोन का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं और फ़ोन में कैसे रिंगटोन्स वगैरह आप लगा सकते हैं। तो सिंपली देख सकते हैं कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कंट्रोल सेंटर चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपके पास ऑप्शन आता है प्ले स्टोर आइकन्स। तो प्ले स्टोर आइकन्स पर क्लिक करना है और प्ले स्टोर आइकन्स पर जाकर आपको कंट्रोल सेंटर ऐप्स को डाउनलोड करना है। सिंपली कंट्रोल सेंटर, तो कंट्रोल सेंटर ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास इससे MI कंट्रोल सेंटर डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपके पास MI कंट्रोल ऐप्स आइकन्स मिल जाएगा, जिसके जरिए आप कंट्रोल सेंटर्स को चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं सेटिंग्स आ गए, आपको इस पर ऑन कर देना है। ऑन करते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, जिसके जरिए MI कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स पर जाकर इसको ऑन कर देना है। और ऑन करते ही देख सकते हैं कि कंट्रोल सेंटर चेंज हो गया है। जैसे आप स्लाइड करते हैं तो देख सकते हैं डिफरेंट टाइप का कंट्रोल सेंटर से आपके फ़ोन पे चेंज हो चुका है, बदल चुका है। ऑफ़ कर देंगे तो कंट्रोल सेंटर्स को पहले जैसा भी कर सकते हैं और आपका पहले जैसा भी शो करेगा। देखते हैं कि इस तरीके से बस इसको ऑफ़ कर देना और पहले जैसा कंट्रोल सेंटर शो करेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से कंट्रोल सेंटर्स को चेंज कर सकते हैं एंड बदल सकते हैं अपने ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन में, और कंट्रोल सेंटर्स को बदल पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो।